अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है हम सबके? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। यहाँ पे हम बना रहे थे देसी घी, और इसको किस तरह बनाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। डेली बेसिस में जो हमारा दूध आता है उसको हम लोग बॉईल करते हैं, और उसमें जब मलाई अगर जो मतलब यूज़ नहीं करने वाली होती है तो वो मलाई हम लोग अलग कर करके बर्तन में रखते रहते हैं। मैं इसका प्रॉपर किसी वक्त आपको रेसिपी प्रॉपर भी बना कर दूँगी, बट इसका सिंपल यही तरीका है। तो जब वो भर जाता है हमारे पास मलाई ज़्यादा हो जाती है, जिसको कोई बलाई बोलता है कोई मलाई बोलता है, तो नॉर्मली एक पतीले में उस सबको डाल के नरम करने के बाद अब उसको चूल्हे में हल्की आंच में पकने दें। पकते पकते इसका जो तेल है वो खुद से ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से पक पक के लाइक कुछ वक्त में इस तरह से कलर बनता रहेगा हल्की सी आंच में। जैसे जैसे तेल ऊपर आता जाए, ऑयल उसको आप अलग करते जाएं, और आपका देसी घी रेडी है। और सुबह के वक्त देसी घी बनाने के बाद जो है, एज़ यूजुअल सर्दियां आ रही हैं तो कराची में जो है बिजली के साथ साथ जो है गैस का भी एक हो जाता है, तो गैस चली गई थी और चाय शाय पीनी थी, दूध बॉयल नहीं था। तो हमने क्या किया कि मेरी बहन सिलेंडर लेकर आई थी बेचारी, हमारे लिए खाना वगैरह भी लेकर आई थी। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर हम लोगों ने दूध इस पर उबाला था सिलेंडर में, और नाश्ता वगैरह बना के नाश्ता किया था। और उसके बाद जो है आप लोगों को पता है, जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, माशाल्लाह से मेरी बहन छोटी बहन की शादी होने वाली है, तो उसके लिए हम लोगों को हर रोज़ कुछ ना कुछ ख़रीदना ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, मैं गई थी जमजमा पे, जो स्टाइलो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे माशाल्लाह से आज ही के दिन यानी कि डिस्काउंट भी लगा हुआ था। और इधर जो है ब्राइडल सैंडल्स, नॉर्मल सैंडल्स, स्लिपर्स और शूज़, बैग्स बच्चों के, लड़कों जो बच्चे लड़के बॉयज़ उनके और गर्ल्स के, बहुत अच्छी वैरायटी थी। आप लोग ज़रूर इसे विज़िट करिएगा, और डिस्काउंट भी लगा हुआ है। वो डिस्काउंट टोटल लाइक 1 वीक तक उन्होंने बोला है कि चलेगा। फिर हम घर आ गए थे, और इसके बाद जो है ना मेरी कज़िन ने आना था घर, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसके लिए पकौड़े बनाऊँ खुद से, क्योंकि मुझे कोई ना कोई रेसिपी खुद बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने लाइक 2 टमाटर ले लिए थे, एक बड़ा प्याज ले लिया था, और मैंने पालक की जो एक गड्डी होती है वो चॉप करके इसमें डाली थी, और मैंने थोड़े से एक आलू भी इसमें डाला था, बिकॉज आलू मज़े का लगता है, सब शौक से खाते हैं। तो वेजिटेबल्स में हमने सिर्फ यही डालना है, और मसाले भी जो हैं बेसन जो हम फेंटेंगे उसमें इतना ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये बेसन जो है ना, आप वैसे तो हम लोग अलग बनाते हैं, समटाइम्स मैं इसमें साथ बना देती। तो हम पकोड़ों के लिए बेसन प्रिपेयर करेंगे। बेसन मैंने 1 कप डाला था, आप जब क्वांटिटी बाद में देखेंगे, अगर आपको कम लगे तो आप उसमें और भी ऐड कर सकते हैं, वो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बाद में उसको ऐड करें। तो 1 कप बेसन में मैंने कुटी हुई मिर्च डाली थी, टोटल 1 टेबल स्पून के करीब, और अगर आप स्पाइस थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें और भी डाल सकते हो, और अगर आप स्पाइस कम खाते हो तो इससे 1/2 टेबल स्पून कर दें। और साथ ही में मैंने इसमें मिक्स मसाला डाला था, ये आप किसी भी भंसारी की दुकान से आप मतलब आप बोलें, आई थिंक यही बोलते हैं उन्हें, तो लोकल मार्केट से अगर आप बोलें कि आपको मिक्स मसाला बना के दें तो वो आपको बना कर देंगे, बहुत अच्छा। और नमक भी एड एज़ योर टेस्ट, टोटल 1 टेबल स्पून तो जाएगा इसमें। और इसमें हमने फिर लिटिल बाय लिटिल जो है पानी डालेंगे, और हम इसको मिक्स करते रहेंगे। पानी एकदम से ज़्यादा मत डालना, क्योंकि फिर वो बहुत रनी हो जाता है, और फिर वो जो भी हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से नहीं कि पकड़ नहीं पाता ये फिर बेसन। पता नहीं क्या हो रहा है आज मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग में कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इतना ज़्यादा अटक क्यों रही हूँ। तो खैर, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ना बहुत रनी लिक्विडी होगा और ना बहुत ही ज़्यादा ये थिक होगा। अगर आप, और ये टोटली डिपेंड करता है आप में, कुछ लोग बेकिंग सोडा वगैरह डालते हैं उसको फुलाने के लिए, वो हम नहीं डालते, हम लोगों को नहीं पसंद। तो इस तरह से जो है मज़ेदार सा जो है बेसन जो है प्रिपेयर हो चुका है, और हम इसको अब इस वेजिटेबल्स जो हमने कट की थी इसमें हम डाल देंगे। वेजिटेबल्स आप कुछ भी ले सकते हैं। पकोड़े तो ऐसी चीज़ है कि जिसमें कोई भी वेजिटेबल डाल दो, इवन चिकन वगैरह के भी पकोड़े बनते हैं, तो वो भी मैं कभी आपको बना के दिखाऊंगी, वो भी बड़े मज़ेदार होते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे मेरा जो बेसन था थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसके ऊपर बाद में और ऐड किया था जो मैं आपको दिखा नहीं सकी थी। तो पकोड़े पैन में डालने से पहले मेक श्योर कि जो ऑयल है वो अच्छा खासा गर्म हो, अदरवाइज़ पकोड़े ऐसे
मतलब सारे के सारे ना इसे कीमे की तरह फैल जाएंगे। तो ये था हमारा मज़ेदार सा दस्तरखान, हम सब ने बैठ के बहुत इन्जॉय किया था। जलेबियाँ जो थी बच्चों ने पहले ही चलते फिरते इतनी ज़्यादा खा ली थी। तो शाम में हम लोग ने लेट जो है खाया था, और उसके बाद हम लोगों ने एज यूजुअल बिरयानी बनाई थी क्योंकि हम सबको बिरयानी बहुत पसंद है डिनर के लिए। तो यहाँ पे ना जो मेरी कज़न थी वो शादी का तोहफ़ा और मिठाई देके गई थी, तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना लेट नाइट हम अब इस मिठाई को इंजॉय करें, क्योंकि लेट नाइट हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ खाना होता है विच इज़ अनहेल्दी, बट स्टिल हम लोग इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बहन को कही थी कि आओ हम लोग ना डब्बा खोलते हैं, और कौन सा वाला खोलें ये बताओ। तो मैं उसको ना कलर चूज़ करवा रही थी, और वो मुझे बता रही थी दराज की सेल का। और बस हम लोग यही बातें शातें कर रहे थे, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम गोल्डन वाला बॉक्स जो है वो ओपन करेंगे और इसके अंदर देखेंगे कौन सी मिठाई है। तो क्या हुआ था कि लेट जब हम लोगों ने बॉक्स खोल दिया था ना, तो इतने में अम्मी भी आ गई थी। तो अम्मी हंसने लगी और हम भी हंसने लगे कि अम्मी कह रही थी कि मैं यही सोचती थी कि ना मिठाई खोल के खाते, हम लोगों ने मिठाई तो खाई नहीं। तो भाइयों को भी हम लोग खिलाना भूल गए थे क्योंकि बस बातों शातों में गप्पे लगाने में पता ही नहीं चला, और जब हम लोग लेट बैठ के थोड़ी गॉसिप शॉसिप करते हैं तो उस वक्त हमें याद आया कि मिठाई भी है इंजॉय करने के लिए। और गुलाब जामुन जो है वन ऑफ माय फेवरेट है, और लिटरली बहुत मज़े के रहमत श्री में मिलते हैं, हम लोगों को बड़ा मतलब मज़ेदार लगता है। और लिटरली गुलाब जामुन जहाँ पे भी हो मज़े ले। तो यहाँ पे मेरी बहन जो थी ना वो फ़न कर रही थी, पूरा का पूरा गुलाब जामुन उसने अपने मुंह में डाल दिया था, और हम लोग हंस रहे थे कि ये तुम ब्राइड टू बी हो और तुम कैसी हरकतें कर रही हो। खैर कोई भी किसी भी तरह की हरकतें कर सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से मुझे मेरा गुलाब जामुन अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ेदार सी फ़न और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो भी लोग न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें मेरी वीडियोज़ को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।